हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट के अंदर करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखो, जो प्लान्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, एक सिंगल यूज़ प्लान होते हैं। देखो, जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं इसका जो अर्थ होता है, ये एक बार बन जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको गाइडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो स्टैंडिंग होते हैं ये रिपीटेडली यूज प्लान्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि नेचुरली ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी हम रेपिटेटिव काम करते हैं तो उसके अंदर ये हमें हेल्प करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैंडिंग प्लान होता है ये हमारी जो दोबारा से प्रॉब्लम्स रीअकर करती हैं उनके लिए हमें ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और देखो, जो सिंगल यूज़ होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसी के रिलेटेड ही वो योजना बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडिंग प्लान जो है बेसिकली जो कि हमें रेकरिंग जो दोबारा से प्रॉब्लम है या दोबारा से जो भी चीज़ें हम करते हैं उसके लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, पॉलिसीज आ जाती हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं एंड रूल्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंगल यूज़ और स्पेशल और एडहॉक प्लान, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होती है उसी के तहत ही हम सिंगल यूज़ प्लान जो है बनाते हैं। जैसे हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो उसके लिए हमने न्यू कंपेनिंग करनी है, तो नेचुरली यहाँ पे हम नेचुरली उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट का कंपेन है उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक ही बार ये यूज़ होता है और इसके अंदर बजट्स एंड प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्टैंडिंग प्लान है जो हमारी प्रॉब्लम्स बार बार रिपीटेडली अगर करती है, तो स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर फर्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन जो है इन ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं उनका जो उद्देश्य होता है हमने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। देखो, पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप की जाती है, सोसाइटी की नीड्स क्या पूरी करती है। मिशन जो होता है कि नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन जो है आने वाले समय के अंदर कौन सी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करेगी। देखो, ऑब्जेक्टिव जो होता है स्पेशल टारगेट होता है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करना है। जैसे ये भी हो सकता है कि हमने मार्केट शेयर जो है विद इन कि इस साल के एंड में हमारा शेयर जो है 10 से 15% हो जाना चाहिए, या हमारा प्रॉफिट जो है उसके अंदर 15% ग्रोथ होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव होता है ये स्पेसिफिक होता है। और देखो, जो ऑब्जेक्टिव के फीचर्स हैं, एक तो यही है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली अचीव क्या करना है। और जिसको, जैसे मैंने कहा कि 15% प्रॉफिट इंक्रीज़ होना चाहिए, जिससे हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ईयर के अंदर हमने अपना प्रॉफिट जो है इन्हांस करना है, उसकी लिमिट जो है 15% तक लेके जानी है, टाइम पीरियड क्या है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऐसा भी अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि जो हम अचीव ना कर सकें। उसी तरह देखो, जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली क्या होता है, ये डिटेल्ड प्लान होता है जिसके अंदर हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, क्या हमारे लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे लिए थ्रेट्स हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको भी स्टडी करते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो नेचुरली हम अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करके, अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करके, अपनी अपॉर्चुनिटी जो है, जो बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और थ्रेट का जो इफ़ेक्ट है उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली ये बहुत डिटेल्ड के अंदर योजना होती है, जिसके अंदर हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नेचुरली यहाँ पे हम अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, थ्रेट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती है, तो नेचुरली हम देखते हैं कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट के अंदर मैच करके अपनी स्ट्रैटेजी जो है बना सकते हैं। देखो, जो स्ट्रैटेजी है ये हमारे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और हमने किस तरह से, ये एक्शन प्लान होते हैं कि हमने गोल अपने अचीव कैसे करने हैं, और किस तरह से हमने रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है। अब देखो, कई बार हमने ये स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि हमने उसी लाइन में रहना है, या हमने डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमने कौन सी नई चीज़ें जो है अपने बिज़नेस के अंदर ऐड करनी है,
तो नेचुरली ये हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जब भी हमने अपनी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज जो होती हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म के साथ होती हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे एक्शन प्लान बनाएगी ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके। उसी तरह ही देखो जो पॉलिसीज़ होती हैं बेसिकली ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, और ये क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करती है जब भी उसने डिसीजन लेना होता है, क्योंकि बेसिकली पॉलिसी जो है लिमिट्स डिफाइन कर देती हैं, बाउंड्री डिफाइन कर देती हैं। देखो जैसे पर्सनल पॉलिसी है तो यहाँ पे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जब भी कोई पर्सन रखना है, ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर हमने इस तरह से सिलेक्शन करनी है, या उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि प्रमोशन करनी है तो हमने उसके लिए कौन सा बेसिस चूज़ करना है। क्योंकि तो जब भी नेचुरली ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये हमें गाइड करती हैं। उसी तरह ही सेल पॉलिसी है कि हमने कैश पे ही लेना है, क्रेडिट पे नहीं लेना। और उसी तरह से क्राइटेरिया कि जब भी हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी सेल प्राइस प्राइस का क्राइटेरिया क्या होगा। पॉलिसी जो है बेसिकली क्या होती है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए होती हैं, और नेचुरली यहाँ पे बेसिकली ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं ताकि जो भी हमें रूटीन के अंदर डिसीजन लेने होते हैं तो हम पॉलिसी को देखते हुए करते हैं कि क्या हमारी पॉलिसी है। उसी तरह ही देखो जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं कि जब भी हमने कोई काम करना है उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो ये हमें बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। जैसे देखो कोई चीज़ हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मंगवानी है तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे है कि उसने परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजनी है। वहाँ पे ये भी मेंशन होता है कि जब रिक्वेस्ट भेजनी है तो इस बंदे के द्वारा साइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है कि जब भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने डिपार्टमेंट के लिए चीज़ मंगवानी है तो उसके लिए हमें ये प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह ये प्रोसीजर भी होता है कि जैसे हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो पहले अगर हमने डेटर से अपनी मनी रिकवर करनी है तो पहले उसको हम लेटर्स लिखेंगे, ठीक है, फिर उसको टेलीफोन पे कांटेक्ट करेंगे, फिर उसको पर्सनली मिलेंगे, फिर उसके खिलाफ क्या है कि अगर वो नहीं सुनता लीगल नोटिस भेजेंगे, फिर उसके बाद अगर वो उसका भी कोई जवाब नहीं देता तो हम लीगल एक्शन लेंगे। उसी तरह देखो जो मेथड है, मेथड बेसिकली क्या होता है कि जैसे प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है, ये प्रोसीजर से ज़्यादा डिटेल होता है। देखो कोई भी काम करने का तरीका है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें से हमने एक सही मेथड जो होता है वो चूज़ करना होता है कि हमने इसी मेथड से ही काम करना है। मेथड इज़ दैट प्लान विच डिटर्मिन हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसीजर। देखो जो प्रोसीजर के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए मेथडोलॉजी कि हमने प्रोसीजर को इस तरह से एग्जीक्यूट करना है, तो नेचुरली ये ज़्यादा डिटेल में होता है। उसी तरह रूल्स के अंदर क्या होता है कि नेचुरली रूल हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो अगर रूल है तो नेचुरली वहाँ पे हमें कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जैसे देखो छोटे बच्चों का स्कूल के अंदर ये रूल होता है कि एवरी डे दे हैव टू कम इन द यूनिफॉर्म अप टू 10th। और उसी तरह जैसे फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, तो ये हर बंदे को एप्लीकेबल होता है। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है। फिर उसी तरह हम देखते हैं सिंगल यूज़ प्लान। देखो जो सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं ये एक खास प्रॉब्लम के तहत बनाए जाते हैं, ये एडहॉक होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं। इसके अंदर जैसे प्रोग्राम है ये सिंगल यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव योजना होती है जो हमें बताती है व्हाट हाउ हु एंड व्हेन हमने एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करना है। जैसे मॉडर्नाइजेशन करनी है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं कि हमने मॉडर्नाइजेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। नेचुरली बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इन्हांस करनी है तो हम वेरियस डिपार्टमेंट के लिए क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसी तरह जो बजट होता है ये हमें बताता है कि हमने नेचुरली जो भी हमने अपने उद्देश्यों को पूरा करना है तो उसके लिए हमें कितनी मनी चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, कितना टाइम चाहिए और अदर रिसोर्सेज कितने चाहिए ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सकें। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमने योजना बनाई है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हर एक्टिविटी की बजट बनता है जो मैथमेटिकली जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है इतनी क्वांटिटी के अंदर, इतनी वैल्यू के अंदर जो है हमने ये चीज़ हमारी होनी चाहिए।